आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। रविवार को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। सर्वप्रथम ग्राम कुंडाली से प्रारंभ रैली में सम्मिलित सभी युवाओं का युवा स्वयंसेवक मदन गोपाल वर्मा एवं राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह लोधी द्वारा सभी का तिलक लगाकर स्वागत कर रैली को रवाना किया। रैली ग्राम कुंडाली मुख्य बाजार से प्रारंभ होकर ग्राम के मुख्य मार्गो से होकर रानी अवंतीबाई तिराहा बमहोरी पहुंची, जहां वीरांगना रानी अवंतीबाई के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर उपस्थित सभी युवाओं एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके जीवन पर प्रकाश डाला एवं तिराहे पर नवीन झंडा लगाकर अवंतीबाई अमर रहे के नारे लगाए। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के आजाद होने तक भिन्न भिन्न रूप में अपना अहम योगदान दिया है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया है। देश में सरकारें या प्रमुख सामाजिक संगठनों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ही होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके अहम योगदान को ना तो सरकारें याद करती हैं ना ही समाज याद करता है, लेकिन उनका योगदान भी देश के लिए अग्रणी है। उन्हीं में से एक वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी हैं जिनकी शहादत में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जयराम बाबा जी, पूरन सिंह लोधी भैया, मिथुन लोधी, कल्याण सिंह लोधी, तेज सिंह लोधी, कृष्ण कुमार पटेल, उमेश लोधी, भागवत लोधी सहित बड़ी संख्या में युवा एवं आसपास के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रायसेन से जिला ब्यूरो मदन वर्मा की रिपोर्ट। Gracias por ver el video.